बाबा आज लगता है पार्टी वार्टी है कहीं। यार सबसे पहले तो तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोग कंप्लेन करते हैं कि बाबा सलाम नहीं करता। यार वो रन ऑफ द मिल वीडियोस होती हैं। आज थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। बहरहाल लोग कहते हैं होबनॉब और पाइन द स्काई की प्रोडक्ट करो, तो मैंने आज सिंप्लिसिटी के लिए पहले तो होबनॉब की कोई 8-9 प्रोडक्ट्स मंगा ली हैं। चिकन पैटीज, सॉसेज पैटीज, लेमन टार्ट, चॉकलेट टार्ट, चॉकलेट ब्राउनी, कुकी, क्लब सैंडविच और क्रोइसेंट। तो ये बाबा का छुरा आ गया क्योंकि इसमें मीठे आइटम भी हैं, तो देख के खाने पड़ेंगे। ये सबसे पहले ब्राउनी, ब्राउनी खाता हूं। ये बेसिकली ब्राउनी के नाम पे धोखा है। इतनी मोटी केक की लेयर, इतनी मोटी क्रीम की लेयर केक के ऊपर डाल दी है और ये तो ब्राउनी तो नहीं है। एटलीस्ट ब्राउनी का तो बैटर ही अलग होता है। अगला आइटम लेमन टार्ट ट्राई करते हैं। अच्छा, इसके जो लेमन की जो उसमें टार्ट की क्रीम है उसमें फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा है लेमन का, मुझे फील हुआ। चॉकलेट टार्ट, चॉकलेट का अच्छा डेंस फ्लेवर है। अब ट्राई करते हैं इनका वेजिटेबल पैटीज। ओके, अच्छा जी। अच्छा, वेजिटेबल के नाम पे जैसे कि हर जगह होता है, खाली इनके यहाँ नहीं, खाली आलू का मसाला भरा होता है, बट ये अच्छा टेस्ट कर रहा है। आप खाते हैं इनका सॉसेज पैटीज। अच्छा, सॉसेज पैटीज, वो भी चाहिए। अब ये इनका बटर क्रोइसेंट है, ये खासा महंगा होता है, 180 रुपए का। क्रोइसेंट को देखने के लिए सबसे पहले इसका टेक्सचर चेक करना पड़ेगा। अच्छा एयरी टेक्सचर है। अगेन मुझे काटते हुए वो क्रंच महसूस नहीं हुआ जो 180 रुपए के क्रोइसेंट में आना चाहिए। क्रोइसेंट अगर डबल रोटी जैसा हो ना फीलिंग में, इसका मतलब वो क्रोइसेंट नहीं है, क्रोइसेंट को क्रंची होना चाहिए। अच्छा अब इसका बाइट लेते हैं। बटर की फील तो अच्छी आ रही है, मगर जितने इसके पैसे हैं उतनी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं है। अब आते हैं इनका क्लब सैंडविच। ये क्लब सैंडविच 290 रुपए का है। अच्छा एक ही है, 3 स्लाइस का। ये बेसिकली कोल्ड सैंडविच है। कोल्ड सैंडविच की भी अपनी कैटेगरीज होती हैं। इट्स नॉट अ फ्रेशली बेक, जब ऑर्डर पे फ्रेश नहीं बनाया है, ये बेकरी वाले सैंडविच होते हैं ना, ये उसके कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा उससे अच्छा है। पैसों में बहुत महंगा है, 290 रुपए में आधा सैंडविच, और फिलिंग और क्वांटिटी के हिसाब से कोल्ड वाली वाइब तो अच्छी आ रही है क्योंकि मुझे कोल्ड सैंडविचेस पसंद है, बट मैं इसको 290 रुपए देके नहीं खाऊंगा, मगर टेस्ट में बुरा नहीं है, अच्छा है। अब हमने उठाया है इनका चिकन पैटीज। जिस तरह के एवरेज बेकरी के चिकन पैटीज होते हैं बिल्कुल वैसा ही है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए मार्केट में हर जगह पैटीज 50 रुपए का है, इनका 70 रुपए का है, ऐसी कोई 70 रुपए की वैल्यू एडिशन नहीं है इसमें। आखिरी आइटम जो हमने ऑर्डर किया है वो चॉकलेट कुकी है। ये 150 रुपए का है, कुकी है ना,
आर्टिसन कुकी, यानी किसी की अच्छी जगह बना का वो कुकी, उसकी पहली पहचान ये होती कि मैं इसको तोड़ूंगा ना तो ये बिस्किट की तरह नहीं टूटेगा, ये रबड़ की तरह टूट जाएगा। अब इसका पहला टेस्ट देखते हैं। हाँ जी, ये रबड़ की तरह है, बिल्कुल रबड़ नहीं है, बीच में बाइट लेते हैं। बिल्कुल बिस्किट वाली फील नहीं आई, बैटर की तरह टूट रहा था। चॉकलेट में मिठास बहुत है, जबकि इसके चॉकलेट में चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी नॉट वैल्यू फॉर मनी। अब आप मेरा ओवरऑल फीडबैक लें तो तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस बी कैटेगरी की बेकरियों से 40-35% ऊपर है, मगर जो हमने प्रोडक्ट मंगाई है एटलीस्ट उसमें बहुत ही ज्यादा कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। सबसे बुरा डिसअपॉइंटमेंट ब्राउनी थी, ब्राउनी में तो कहीं से ब्राउनी का टेस्ट ही नहीं आ रहा, केक के ऊपर मोटी क्रीम की तरह डाल दी है। सबसे बेहतरीन आइटम कोल्ड सैंडविच था 290 रुपए का, मगर ये बहुत महंगा है। सॉसेज पैटीज भी ठीक थे, चिकन पैटीज भी ठीक था, पर चिकन पैटीज मैं क्यों उनको 70 रुपए दूं जब मैं नॉर्मल बेकरी से यही चीज 50 रुपए की ले सकता हूं। ये आइटम क्रोसांट जो है ये अगेन 180 रुपए में, ये भी ओवरऑल आप यूं समझ लें कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। चाहे तो आपने ट्राई नहीं की थी? चाय तो हमारे रफर भाई ने बनाई है, तो होती अच्छी है, रोज पीते हैं।